हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है पंखे के बारे में, यानी कि या तो सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो या हमारा फर्राटा हो। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो पंखा है वो सिलो क्यों हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। तो डाउन होने के दो कारण हैं, या तो आपका वोल्टेज डाउन है या आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है कंडेंसर इस प्रकार का, ये चलते चलते क्या होता है, ये वीक हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पंखे की रफ्तार वो स्लो हो जाती है। चाहे वो छत वाला पंखा हो या टेबल हो या फर्राटा हो, कोई भी पंखा है अगर उसकी रफ्तार धीरी हो रही है तो आपको क्या करना है, ये कैपेसिटर को चेंज कर देना है। और कैपेसिटर चेंज करने के लिए हर पंखे की वैल्यू अलग होती है। जैसे हमारा छत वाला पंखा होता है उसमें ज़्यादातर 2.5 का कैपेसिटर लगता है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज डाउन है तो आप ऐसा करते हैं 3.25 का भी लगा सकते हैं। अगर वोल्टेज सही है तो 2.25 का ही लगाएं, क्योंकि अगर वोल्टेज सही रहेगा, आपने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी का लगा दिया है तो आपका पंखा जल भी सकता है, उसकी वाइंडिंग जो है वो हीट हो सकती है। तो इसलिए जब भी पर आपको कैपेसिटर जो है बदलना है पंखे में तो उसी वैल्यू का लगाएं। तो देखिए, पंखा में अगर कैपेसिटर आप लगा रहे हैं तो उसका लगाने का बहुत आसान तरीका है। या तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा वायर कहाँ पे है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें कोई भी तार कहीं भी लगा सकते हैं आप। बस ये है कि जहाँ से आप तार को खोलें उधर ही लगाएं। अगर मान लीजिए ये आपको शंका है कि हम तार खोलने के बाद बदल सकते हैं, तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको आपको क्या करना है, जहाँ से तार ज्वाइंट है बिल्कुल नहीं छूना है। अगर मान लीजिए आपने वहाँ से जहाँ से तार ज्वाइंट है आपने उसको वहाँ से खोल दिया और कनेक्शन भूल गए, तो हो सकता है अगर सही ना कनेक्शन लगा होगा तो आपका पंखा उल्टा भी चल सकता है। तो आपको क्या करना है, एकदम सीधा सैंपल बिल्कुल, कि आपको जैसे ये पंखा मान लीजिए कैपेसिटर पंखे में लगा हुआ है, तो आपको ना तो ज्वार पर से खोलना है ना तो कहीं से जो खोलना है, आपको क्या करना है, ये कैपेसिटर के ये बगल से ही तार काट के, और जिस प्रकार से हमने देखी है ये का तार काट दिए हैं दोनों, ये अंदर ज्वाइंट हुए हैं, तो अब हमको क्या करना है, इसी तार में हम दूसरा वाला ये कैपेसिटर लगा देंगे। इस डिज़ाइन से हम लगा देंगे कैपेसिटर, जिससे कि हमारा जो है पंखे का कनेक्शन भी इधर से उधर नहीं होगा। जहाँ से आपने कैपेसिटर का काटा है, जो कटा वाला हिस्सा है, उसी में आप सीधे उतने ही वैल्यू के कैपेसिटर लगा दें। बस ये एकदम आसान तरीका है अगर आपका पंखा स्लो चल रहा है तो। अगर आप कैपेसिटर बदल देंगे तो आपके पंखे की रफ्तार भी ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।